खिलाफ लखनऊ के घंटाघर में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। 14 मार्च को यहां हिंसा के दो आरोपियों को सम्मान दिया गया, जिसमें से एक का नाम एबाद खान और दूसरा अब्दुल हफीज है। सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने एबाद और अब्दुल को संविधान सेनानी बताकर सम्मानित किया। सम्मान कार्यक्रम के दौरान एबाद और आयशा के नितिन राज ने सरकार के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी की, जिसके चलते जब पुलिस ने इन्हें धारा 144 का हवाला देते हुए शांत कराने की अपील की तो घंटाघर के प्रदर्शनकारी धक्का मुक्की पर उतर आए, जिसके आरोप में करीब 152 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसमें शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया समेत 11 महिलाएं, 10 पुरुष और करीब 130 अज्ञात लोग शामिल हैं। हालांकि 7 दिनों में पुलिस ने 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन को फंड करने वालों को भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करेगी। आपको बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ 19 दिसंबर को हुई आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के मामले में बीते शुक्रवार को 27 उपद्रवियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कुछ लोग अभी जेल में हैं तो कुछ जमानत पर बाहर हैं। न्यूज़ डेस्क।